नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बोनसाई में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक जो इंस्टाग्राम पे एक रील डाली थी वो थी पैशन फ्लोर की, यानी कि जो हमारा राखी बेल है इसकी, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये हमारी बेल है। इस पर तो काफ़ी कमेंट्स ही आए थे कि इस पर एक कंप्लीट वीडियो बनाइए, कैसे इसकी केयर करनी है और इस जो वाइन है इसको अच्छे से दिखाइए कि कैसे आपकी ग्रो कर रही है। तो आज का हमारा वीडियो जो है वो राखी बेल के ऊपर है कि मैंने कैसे राखी बेल को ग्रो किया था और कैसे ये इतने अच्छे से ग्रो कर रही है, कैसे हमें इसकी केयर करनी चाहिए और कैसे इसमें फ्रूटिंग वगैरह होती है, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो राखी बेल है मैंने ऑनलाइन ली थी और मैंने आई थिंक जब वीडियो भी डाला था पहले मैंने इस बेल को जो है एक पोर्ट के अंदर शिफ्ट किया था। फिर मैंने सोचा पोर्ट के अंदर शिफ्ट करेंगे तो इसको काफ़ी टाइम लगेगा ग्रो होने में और ये इतनी अच्छे से जो एक मदर प्लांट नहीं बन पाएगी, क्योंकि मुझे, मैं क्या करता हूँ, जो भी मेरे पास नया प्लांट आता है मैं उसको पहले मदर प्लांट बनाता हूँ। मदर प्लांट मीन यानी कि एक प्लांट हम ज़मीन में लगाते हैं और उसी से जो है हम काफ़ी प्लांट और तैयार करते हैं, फिर वो चाहे कटिंग से हो या एयर लेयरिंग से हो या कैसे भी आप उसको प्रोपोगेट करें और उससे काफ़ी प्लांट तैयार करें तो वो एक मदर प्लांट होता है। तो ये मैं एज ए मदर प्लांट मैंने ग्रो किया है। एक दो बार इसकी बेल जो है रास्ते के साथ में है तो जो जानवर जो जाते हैं जैसे गाय वगैरह जो आती है साइड से तो वो उसको खा जाती थी तो वो टूट गई थी दो बार। इस बार ही अच्छे से ग्रोथ इसने स्टार्ट की है और इसकी बेल जो है काफ़ी फैल गई है। अभी जो है इस बेल पर काफ़ी फ्लोरिंग पहले हो चुकी है, आई थिंक इसको एक डेढ़ महीना हो चुका है फ्लोरिंग करते हुए, अभी भी इसमें काफ़ी फ्लोरिंग हो रही है और काफ़ी बर्ड्स जो है वो भी आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए एक फूल यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा और जो बेल है ये पहले बहुत छोटी थी, आई थिंक ये इतनी थी, इसी साल तक ये इतनी हाइट की थी, यानी कि जो यहाँ पीछे जो नेट है लोहे का नेट हमने लगा रखा है उस पर फैली हुई थी और अभी जो है काफ़ी दूर तक फैल गई है। तो दोस्तों ये जो बेल है अभी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर गई है। स्टार्टिंग में क्या है, जब इस पर थी लोहे के नेट पे थी तो क्या कम ग्रो कर रही थी। मैंने क्या किया है देखिए, इसके लोहे के नेट से जो है मैंने जो रस्सियाँ जो प्लास्टिक की रस्सियाँ हैं इनको यहाँ पर बांध कर यहाँ पर जो बड़ा ट्री है यहाँ पर रस्सियाँ लगा दी, तो उससे क्या हुआ मैंने यहाँ पे एक नेट सा बना दिया इसका ताकि ये इस पर फैल जाए। और देखिए ये फैल गई है, यहाँ पे देखिए किस तरह से एक शेड सी जो है वो बन गई है। मैं सोच रहा हूँ क्या हम आगे भी इसी तरह से कुछ यहाँ पे कुछ लकड़ी वगैरह लगा के और इसी तरह से आगे तक जो है ये पूरी शेड बना देंगे ताकि जो रास्ता है पूरा उस पर छाया रहे। इस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो इसमें ढेर सारी जो फ्लोरिंग है पहले हो चुकी है और अभी भी जो है इस साइड देखिए जो बर्ड्स है वो कितने हैं, यहाँ पे देखिए एक बर्ड्स यहाँ पे है एक यहाँ पे है, यानी कि जो नई ग्रोथ है इस पर तो बहुत सारे बर्ड्स हैं। ऊपर ये देखिए उस बड़े बड़े ट्री पे जा रही है, इसलिए मैंने इस पर फैलाया था कि इस बड़े ट्री पर ये अच्छे से फैल जाए और ये पूरा जो फूलों से भर जाए तो काफ़ी अच्छा हमारा प्लांट लगेगा। और दोस्तों इसकी केयर की बात करें तो देखिए इसकी केयर आपको ज़्यादा नहीं करनी, एक तो धूप इसको अच्छे से मिले, धूप अच्छे से मिलेगी तो जो प्लांट है ये अच्छे से ग्रो करेगा और इस पर फ्लोरिंग जो है वो धूप से ही आएगी, यानी कि अगर धूप नहीं होगी तो इसमें फ्लोरिंग अच्छे से नहीं होगी। अगर आप चाहें पोट में लगाना तो इसको पोट में लगा सकते हैं, पोट में इजीली लग जाएगी। जब आप सोइल मिक्स इसका बनाते हैं तो उसके अंदर जो है 50% जो है आप जो कंपोस्ट है वो ऐड करें, 50% जो है वेल ड्रेन सोइल है वो ऐड कर लें। अगर आपके यहाँ पे गर्मी ज़्यादा तेज़ रहती है तो आप जो है सोइल के अंदर जो है 20% कोकोपीट है वो भी ऐड कर लें। तो अगर आप पोट में लगाते हैं तो आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा, एक तो प्लांट को धूप में रखें, दूसरा वाटरिंग का खास ध्यान रखें कि ज़्यादा पानी अगर खड़ा रहेगा तो आपकी जो वाइन है वो सड़ सकती है, लेकिन कंप्लीट ड्राई भी ना होने दें, उसमें हल्की नमी रखें सिर्फ। बात करें प्रोपोगेट की तो इसको आप कटिंग से प्रोपोगेट कर सकते हैं, एयर लेयरिंग मैंने इस पर ट्राई नहीं किया लेकिन आप एयर लेयरिंग भी अगर चाहें तो कर सकते हैं। तो एयर लेयरिंग के लिए इसकी जो वुड है वो अगर अच्छी हो गई हो थोड़ी थिक है तभी कीजिएगा, और कट लगाने के बजाय आप हल्का सा उसको स्क्रैच करके उस पर जो मॉस है वो लगा दीजिए, उससे अच्छा रिजल्ट आएगा। बाकी कटिंग से इजीली लगा सकते हैं, कटिंग से जब आप इसको ग्रो करते हैं तो उसको पॉलीथीन से कवर कर दें तभी इसका रिजल्ट आपको इजीली मिलेगा, या फिर आप रेनी सीजन में लगाइए या फिर फरवरी के अंदर तब इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। मैं अभी अक्टूबर में लगाऊंगा, अक्टूबर में अगर आप लगाते हैं तो उसको कवर कर दें ताकि जो ग्रोथ है वो जल्दी स्टार्ट हो। तो इसके फूल जो है वो काफ़ी खूबसूरत है और इस पर अगर फ्रूटिंग आपको चाहिए तो आपको देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा फूलों के यहाँ पर जो इसका पराग है नीचे यहाँ पर, तो ये परागण की प्रक्रिया आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। अभी तो ये खिल चुका है, जब प्लांट जो फूल है जब नया नया खिलता है तब आपको इसके जो परागण है इसको यहाँ से तोड़कर इन पर इस तरह से जो है स्टिग्मा पे आपको इस तरह से स्क्रैच करना होगा, मैंने आज दिन में इस पर किया था। तो इस तरह से करने से क्या है, जो परागण की प्रक्रिया ये हम मैन्युअली कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सा टाइम क्या होता है कि हम जो वाइन लगाते हैं उधर हो सकते हैं मधुमक्खियाँ ना हो, जो पोलिनेटर है वो ना हो, तो इस वजह से जो फ्रूटिंग है वो नहीं हो पाती। दूसरा इसका जो आप देख रहे हैं इसके जो पोलन है
फूल के जो पोलन है वो नीचे की साइड है, तो इसलिए इजिली इसका जो पोलिनेशन है वो नहीं हो पाता। तो अगर मधुमक्खियाँ आपके गार्डन में है या कोई और पोलिनेटर है तो उसकी हेल्प से आप ये कर सकते हैं। तो मधुमक्खियों का होना गार्डन बहुत जरूरी है, इसलिए आप जो है जो फ्लावर्स वगैरह है जैसे गेंदे के फूल या कोई और फूल है वो आप जरूर लगाएं। अभी भी इस वाइन में जो है काफी बर्ड्स हैं, और यहाँ पे देखिए किस तरह से जो है एक झोपड़ी टाइप में जो है एरिया बन चुका है। अभी क्या है, मैंने इसमें अच्छे से जो है रस्सियाँ नहीं लगाई है, लेकिन फिर भी रस्सी है वो मैंने क्या यहाँ तक लगाई थी, तो ये रस्सी जहाँ तक थी वहाँ तक तो शेड बन गई, उसके बाद जो वाइन है वो नीचे की तरफ लटकने लगी। मैं सोच रहा हूँ इनको भी हम इस तरह से करेंगे, तो और जो रस्सियाँ हैं वो हम नेट से इस तरह से बनाते जाएंगे, तो पूरा जो रास्ता है ये वो इस तरह से शेड में बदल जाएगा। जैसे कि आपने किसी पार्क वगैरह में देखा हुआ एक रास्ता होता है जिसके ऊपर वाइन होती है, तो ये बहुत ही खूबसूरत भी लगेगा और साथ ही इनमें जब फूल होंगे और फ्रूट लगेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो अभी मेरा प्लान यही है कि मैं इसको आगे तक जो है इस तरह से फैला दूँ पूरे पे। अभी देखिए इसकी जो ग्रोथ है इस साइड से जाकर जो है ये इस साइड पे देखिए उस प्लांट पर किस तरह से कितनी तेज़ी से फैल रही है। ये आई थिंक रक्षाबंधन के पास, रक्षाबंधन जब था तब ये यहाँ तक थी, और देखिए इतने दिन में कितने आगे तक चली गई है। और दोस्तों तो आप भी जो है राखी बेल जो है घर पर लगा सकते हैं, ज़मीन है तो ज़मीन में सबसे अच्छा है। आप में से किन किन के पास जो है राखी बेल पहले से है, और आपके पास कौन सा कलर है? मेरे पास एक ही कलर है जो ब्लू कलर है, तो मुझे कमेंट करके बताइए आपके पास कौन से कलर की राखी बेल है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।